इब्तदाए रबी जलील के बाबरकत नाम से है, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखते हैं और सुनते कानों को शाहीन अकबर शाहानी का सलाम पहुँचे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप मेरी एजुकेशनल गाइडेंस की वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा चैनल तो आपका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर जाकर क्लिक कर लें तो आप मेरे से टच रह सकेंगे, आपको एजुकेशनल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। बहुत सारे एजुकेशन के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर वो आपने नहीं देखी तो उनको बराए मेहरबानी ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, आज जो टीचर्स बनने वाले लोग थे जिनको गाइडेंस की जा रही थी, वीडियोज़ का हमारा जो सिलसिला जारी है, इस नई वीडियो में आज मैं आपको बताऊँगा कि पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा जी, मैं पार्ट सेकंड की तरफ जा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट मेरे तो जिन दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख के फिर सेकंड पार्ट आप देखें, आपको समझ आएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन का नहीं पता तो जाके फर्स्ट कमेंट में नीचे देखें, नीचे फर्स्ट कमेंट के अंदर पार्ट फर्स्ट का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप देखें। तो आपको टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको गाइडेंस वहाँ से मिल सकती है। तो प्यारे भाइयों, आप जो वीडियो जहाँ पर मैंने स्टार्ट की थी बहुत लंबी भी हो गई थी, खैर क्योंकि एक जो टॉपिक शुरू किया गया था एनटीएस वाला में, तो वो मैंने सोचा कि कंप्लीट कर दूँ ताकि आपको ये कोई किस्म का भाव ना रहे। अब तो दोस्तों वो तो उन लोगों के लिए था जिन्होंने एक ही एनटीएस टेस्ट देना था, एक सीट के लिए अप्लाई किया हुआ था। अगर आपने प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई किया हुआ है, एलिमेंट्री टीचर के लिए अप्लाई किया हुआ है, या सेकेंडरी टीचर सिर्फ एक ही सीट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो तरीका था उसके लिए। अब अगर आप दो या तीन सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं कैटेगरीज के अंदर, तो फिर क्या करना है? दोस्तों कोई ज़्यादा इसमें उलझन वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं है, कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने सिंपल जस्ट क्या करना है, आपने जब अप्लाई करने जाना है कंप्यूटर से एनटीएस की वेबसाइट पे, आपने हर जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं हर पोस्ट का आपको अलहदा से चालान प्रिंट आउट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा कोई इसमें चक्कर नहीं है, आप अप्लाई जस्ट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने डेट्स जो है, डाटा सारा आप जब फिलअप कर लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप कौन कौन सी वैकेंसी और कौन कौन सी सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपने जितनी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना हो वहाँ पर आप उनको टिक मार कर देंगे, ये चेक का निशान वहाँ पे लगाना पड़ता है। आपने जितने के लिए अप्लाई किया वहाँ पर हर वैकेंसी के आगे चेक का निशान आप लगा देंगे, तो वो जो आपको चलान फार्म मिलेगा हर वैकेंसी के लिए एक अलहदा चलान फार्म आपको मिलेगा। अगर अब ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपने कोई भी टेस्ट देना है, चाहे वो 16 के लिए स्केल के लिए देना है, चाहे आप 14 स्केल के लिए देने लगे हैं, या आप मतलब है कि 15 स्केल के लिए देने जा रहे हैं, चाहे आपकी कैटेगरी कोई है, आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, फिजिकल एजुकेशन से हैं, या कोई दूसरा सब्जेक्ट आपका आ रहा है बैक या दूसरे, प्रोसेस आप सबका एक ही है। इस तरह का जो अप्लाई से लेकर चलान भरने तक प्रोसेस है वो सब के लिए एक ही है, एक ही सूरत हाल है, इसमें आपको किसी उलझन में पड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलें जी, अब आपने डाटा फिलअप कर दिया, आपने जिन सीट्स पर अप्लाई करा था उनको आपने चेकआउट कर दिया, अब आपको प्रिंट चलान कर लिया, जितनी वैकेंसीज पे आपने अप्लाई किया है हर वैकेंसी का एक अलहदा पूरा पेज आएगा, हर पेज पे तीन तीन चालान होंगे। अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा इसी तरीके से बता देता हूँ आपको। अगर आपने 14 स्केल पे अप्लाई किया है और 14 स्केल के लिए जो एक प्रिंट आउट आएगा उसमें 14 स्केल के तीन चलान फार्म होंगे एक पेज पर, उनको आपने जाकर बैंक में फिल करना है, एक वो बैंक वाले रख लेंगे, दो आपको दे देंगे, एक आपने अपने पास रखना है, एक एनटीएस को कोरियर करना है। इसी तरह अगर आपने 15 के लिए 16 के लिए भी अप्लाई किया है तो अगर 15 के लिए अप्लाई किया उसके भी इसी तरह एक पेज होगा, उसमें तीन चलान फार्म होंगे। अगर 16 के लिए आपने अप्लाई किया है उसके भी तीन फार्म और इसी तरह होगा, आपने बैंक में जमा कराने होंगे, बाकी जो आपके
ये बचते हैं वो आपने TCS के ज़रिए या कोई भी कुरियर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में यूज़ करते हुए आपने भेजने होंगे NTS का जो एड्रेस आपको दिया गया है। अब ये नहीं है कि आपने अगर तीन सीट वैकेंसीज पे, तीन सीट्स पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे अप्लाई किया है और आपको ये नहीं है कि हर जो चलान की कापी आपको बैंक की तरफ से दी गई, आप ये नहीं है कि आप उसको अलग-अलग लिफाफे में पैक करें, क्योंकि इससे आपका ख़र्चा बढ़ जाएगा। तो इसको तीनों को जो चारों को या तीन वैकेंसीज पर आपने अप्लाई किया है उन सबको एक ही आप लिफाफे, खाकी लिफाफा समझ लें या जो भी कह लें, उसके अंदर आपने जाके उनको तमाम को इकट्ठे ही पैक करना है और जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पर आपने पोस्ट कर देना है। तो ये बात मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। अगर आप एक वैकेंसी पर अप्लाई करते हैं तो आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, उसका प्रोसीजर क्या है। अगर आप दो या तीन वैकेंसी पर अप्लाई करते हैं हर स्केल के लिए तो उसका प्रोसेस क्या है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब ये चक्कर क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कि वो अगर नए आ रहे हैं या पर इसी फील्ड में है उनको तो पता होता है, जो नए फील्ड में आ रहे हैं मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको ए से जी तक कुछ भी पता नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं या पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको क्लियर हो पाए कि उन्होंने क्या करना है, उनके माइंड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप बी ए एफ ए या कोई कोर्स बी एड वगैरह कर रहे हैं तो वीडियो उसको तवज्जो से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। जब भी आप अप्लाई करने लगेंगे आपको ये मेरी बातें उस टाइम माइंड में फिर से आ जाएगी। जाकर आप कोई खौफ जदा है, कोई बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कुछ होता है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। आप सिर्फ वीडियोस को तवज्जो से देखें और चैनल को नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन लिखा हुआ वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें तो आपको जो भी गाइडेंस चाहिए होगी आप नीचे कमेंट कर देंगे, मैं आपको इंशाल्लाह भरपूर तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो अच्छा जी, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हर बंदा जो मास्टर है वो 14, 15, 16 पे अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं है। 16 ईयर आप एजुकेशन रखने वाला हर बंदा एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल कौन है वो मैं आपको बता दूँ। फिलहाल जो पॉलिसी चल रही है तो कोई 5-6 साल से उसको मैं डिस्कस करूँगा, ज़्यादा पीछे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो ओल्ड पॉलिसी थी, वो आप अब उस ख़त्म भी हो चुकी है। उस टाइम NTS टेस्ट नहीं होता था, ये कंप्यूटर वाला ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता था, वो मैनुअल तरीक़ाकार था, तो उस की तरफ जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आज का जो तरीका चल रहा है मैं उसी को डिस्कस करूँगा ताकि आपके लिए फ़ायदा हो सके। तो जो मौजूदा पॉलिसी है उसमें 16 पर 15 पर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, 16 और 15 पर मैं आपको बता दूँ बेसिक स्कूल सब्जेक्ट्स जिनके हैं मास्टर, जिनकी बेसिक स्कूल सब्जेक्ट्स में अंदर है वो कर सकते हैं। बेसिक चाहे वो बेसिक साइंस है चाहे वो बेसिक आर्ट्स सब्जेक्ट्स है, बहुत लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिक साइंस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, आपका मैथ होगा, आपकी बायोलॉजी होगी, आपकी जुआलॉजी होगी, आपकी बॉटनी होगी, इस तरह के मज़ीद। और आर्ट्स में आपका उर्दू है, आपकी इंग्लिश है, तो फ़िलहाल तो यही दो है। इस्लामियात अगर जो स्कूल सब्जेक्ट है लेकिन अभी तक उसमें 14 की तो सीट्स आ रही है लेकिन 16 और 15 के लिए उनकी सीट्स नहीं आ रही। तो जो लोग मेरे भाई मास्टर करने का सोच रहे हैं आर्ट्स के अंदर या साइंस के अंदर, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि वो या तो बेसिक साइंस में से साइंस का कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, अगर वो आर्ट्स के भाई हैं बहने हैं तो वो आर्ट्स का कोई बेसिक सब्जेक्ट चूज़ करें, उर्दू या इंग्लिश की तरफ जाएँ। इंग्लिश अगर आपको डिफिकल्ट लगती है तो उर्दू की तरफ जाएँ, अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं शौक से, इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप इंग्लिश की तरफ जाएँ। तो यही रिकमेंडेशन है मेरी, उम्मीद है आपको जो मेरी बातें समझ आ गई होंगी। तो फिर से मैं दोहरा दूँ, ये पार्ट सेकंड है एजुकेशन गाइडेंस के इस टीचर बनने की वीडियो का। अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखना है तो नीचे पहले कमेंट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको लाजमी देखें ताकि पूरी बात आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों शाहीन परेशानों को इस वीडियो से दीजिए इजाज़त,
इन दोनों के साथ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। एक नई वीडियो में आपके सवालों के जवाब के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।